नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार है और फरवरी की तारीख है 15। सरसों में जैसा कि उम्मीद थी गिरावट बढ़ेगी और गिरावट सरसों में बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नरमा कपास के जो भाव हैं उनमें काफ़ी सुधार हो रहा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने सर्कल में भेज सकते हैं। इससे हमारी भी मदद होगी और दूसरे लोगों की भी मदद होगी। सरसों के बाजार में आवकें बढ़ने लगी हैं। आज 4.25 लाख बोरी की आवक हुई है, नई और पुरानी सरसों दोनों को मिलाकर के। इसलिए सरसों के जो दाम हैं वो 25-50 रुपए लगभग हर मंडी के अंदर टूटा है। जयपुर का भाव आज 5,950 रुपए के स्तर पर आ गया है और जो भरतपुर मंडी का भाव है वो 5,675 रुपए खुला है। लेकिन सुना है कि अभी कुछ देर पहले बाजार में और थोड़ी बहुत गिरावट आई है। आज सलोनी के प्लांट ने 25 रुपए का भाव कमजोर किया है। 6,450 रुपए के स्तर पर सलोनी शमशाबाद का कारोबार हो रहा है। कोटा के अंदर 6,350 रुपए का भाव है। ये सरसों के अंदर हालांकि आज जो सरसों तेल की कीमतें हैं उनके अंदर थोड़ा सा 5-6 रुपए प्रति 10 किलो का सुधार हुआ है। जयपुर का भाव एक्सपेलर का 1,185 रुपए के स्तर पर आ गया है और 1,195 रुपए कच्ची गाड़ी तेल का भाव है। इसका कारण ये है कि सामने कुछ त्यौहार हैं, महाशिवरात्रि पर्व है, उसके बाद होली का त्यौहार है और रमजान भी है। इन सब के लिए, इन सब को देखते हुए शायद थोड़ी बहुत निचले स्तर पर खुदरा बिक्री शुरू हुई है, खुदरा तेल की खरीदी शुरू हुई है, इसलिए शायद ये भाव में सुधार हुआ है। लेकिन ये सुधार टिकने वाला नहीं है, ये आगामी 1-2 दिन के अंदर ही बाजार टूट सकता है। तो सरसों के बाजार में फिलहाल तेजी की संभावना नहीं है, बाजार अभी और नीचे जाने की गुंजाइश में है। दूसरी खबर, ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात सरसों में ये है कि आज सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है। पूरी जो इस रबी की जो फसल की जो आंकड़े हैं यानी उत्पादन कितना होगा, उन्होंने दूसरा अपना जो अनुमान है वो जारी किया है। उसमें ये कहा है कि सरसों का जो उत्पादन है वो 128 लाख टन होगा। अब इसमें तो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो समय बताएगा। जब सरसों पूरी तरह से आवक शुरू होगी और सरसों का जो सीजन है वो यौवन पे होगा, चरम पे होगा, तब पता लगेगा कि वास्तव में उत्पादन है कितना। लेकिन जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। 128 लाख टन 7% तक की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में सरकार ने बताई है। दूसरी बात, कपास का जो आंकड़ा है सरकार ने भी घटाया है और जो एजेंसियां हैं जैसे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या और दूसरी तरह की जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने दूसरे अनुमान में कपास का उत्पादन फिर घटाया है। जो कॉटन एसोसिएशन है उसका कहना है कि 321 लाख गांठों का उत्पादन होगा, जबकि सरकार का कहना है कि 337 लाख गांठों का उत्पादन होगा। और इस प्रकार से दो अनुमान जारी हो चुके हैं, दोनों में 9 और 4, 13 लाख गांठों का जो गिरावट है वो सरकारी आंकड़ों में आई है और जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके आंकड़ों में लगभग 18 लाख गांठों की गिरावट दर्ज हुई है। और मेरा अपना मानना है, हमारी जो खेत खजाना की टीम है जो काम करती है, रिसर्च करती है, उनका ये मानना है कि जो आंकड़ा है वो 300 लाख गांठ के आसपास ही रहेगा। इसके 5% ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश शायद नहीं है। और घटते हुए बाजार के कारण और कुछ परसों आपने देखा कि 13 तारीख से वायदा बाजार में इसका कारोबार शुरू हुआ है, जिससे दो दिनों से वायदा बाजार चल रहा है, दोनों दिनों में तेजी बनी हुई है। इसी कारण से जो पिछले 3-4 दिन के अंदर बाजार के अंदर 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। आज अनूपगढ़ मंडी के अंदर नरमा का भाव 8800 रुपये तक भी देखने को मिला है। 8400-8600 रुपये आम सभी मंडियों के अंदर भाव देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के नरमा कपास के अंदर अभी और गुंजाइश बनी हुई है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर में आज भाव खुला 5,675 रुपये, फिलहाल भाव है 5,640 रुपये। जयपुर 5,950, दिल्ली 5,850, चरखी दादरी 5,800, सलोनी 6,350 से 6,450, खैरथल 5,750, गंगापुर 5,650, मुरैना 5,000, नटबई 5,675, बारामंडी 5,975, मेड़ता 5,500, सिरसा में 5,550 रुपये, आदमपुर में 5,551 रुपये, संगरिया में 5,890 रुपये,
और अबोहर के अंदर 5,485 रुपए पर हुआ है सरसों का कारोबार। एलनाबाद में आज नरमे का भाव रहा 8,269 रुपए, अबोहर में 8,265 रुपए, आदमपुर में 8,464, सिरसा में 8,313, सूरतगढ़ में 8,545, हनुमानगढ़ में 8,470, अनूपगढ़ 8,800, रावतसर मंडी 8,650, पीलीबंगा 8,520 और संगरिया में 8,436 रुपए पर हुआ है नरमे का कारोबार। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।